तो आज का जो हमारा टॉपिक है पीएचपी में वो है वर्किंग विथ फॉर्म्स। अभी तक हमने जो भी कोड किया था पहले उसमें हम जो डेटा है या इनपुट जो है उसमें प्री डिफाइंड या कंपाइल टाइम पर ही दे दे रहे थे। अब हम देखते हैं कि यूजर से डेटा हम किस प्रकार से ले सकते हैं। तो फॉर्म कई मेथड में से एक मेथड है जिससे हम डेटा यूजर से कलेक्ट कर सकते हैं। यूजर से डेटा कलेक्ट करने का एक अच्छा मेथड है फॉर्म। इसके अलावा भी कई मेथड्स होते हैं बट इसमें हम फॉर्म वाले जो मेथड है उसको फोकस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि फॉर्म से हम किसी यूजर से डेटा पीएचपी स्क्रिप्ट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और फिर वहां पर डेटा सर्वर पर प्रोसेस होगा और आउटपुट दोबारा रिफ्लेक्ट होता है एचटीएमएल पेज पर। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम डेटा को यूजर से इनपुट ले सकते हैं। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वर्किंग विथ फॉर्म्स इन पीएचपी। हम यहाँ पर फिर से आपको मैं एक बार बताना चाहूंगा कि हमारे पास तीन विंडोज यहाँ पर ओपन है और वो उन विंडोज का नाम जो है वो है, पहला तो है जैम का कंट्रोल पैनल। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने अपाचे सर्वर और MySQL के सर्वर को स्टार्ट कर दिया। उनकी सर्विसेज स्टार्ट हैं, वो प्रोसेस आईडी और पोर्ट नंबर को कैप्चर करके अपनी सर्विसेज यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। हमने यहाँ पर पहले भी देखा है कि जैम्प हमारा जो है डी ड्राइव में इंस्टॉल है और अपाचे और MySQL का जो स्टेटस है फिलहाल अभी रनिंग स्टेटस में है। ये स्टेटस रनिंग होने की वजह से अगर मैं अपने वेब ब्राउजर पर, क्योंकि मेरा वेब ब्राउजर और सर्वर सॉफ्टवेयर एक ही कंप्यूटर पर, इसलिए लोकल होस्ट लिखने पर ये डैशबोर्ड जो है मुझे डिस्प्ले कर रहा है। तो और मैं यहाँ पर जो अपनी फाइल है test2.php, ये जो फाइल है मैंने इंस्टॉल कर रखी है या डिप्लॉय कर रखी है अपने जैम्प के फोल्डर में। साई नाम का जो टेस्ट टू नाम का जो पीएचपी नाम का जो फाइल है इसमें इंस्टॉल कर रखी है या डिप्लॉय कर रखी है। यहाँ पे मैंने स्टाइल क्रिएट किया है कि बॉडी का जो कलर है रेड होगा, फॉन्ट बड़ा दिखेगा, ये मैंने स्टाइल सीएसएस यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद बॉडी के अंदर लास्ट क्लास में हमने कुछ पीएचपी का कोड लिखा था, उस कोड को यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। और जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे या वेब पेज को जब हम ओपन करेंगे तो हमको आउटपुट दिखेगा। और हम यहाँ पर फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पर अपनी फाइल हम ओपन करेंगे, साई नाम के फोल्डर के अंदर हमारा है test2.php, ये दिख रहा है आपको। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारा आउटपुट आ रहा है जो इस प्रोग्राम का है। लेकिन आज हमको दूसरा प्रोग्राम करना है, इसलिए पुराने इन कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो भी फिलहाल अभी ब्लैंक है। क्लियर है, तो चलिए आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से इसमें अपना फॉर्म के साथ क्रिएट कर सकते हैं अपना इनपुट, या इनपुट लेना है हमको फॉर्म से तो हम कैसे ले सकते हैं। क्लियर है, तो सबसे पहले हमको एक फॉर्म डिजाइन करना होगा इसमें, और फॉर्म डिजाइन करके हम इसमें इनपुट लेंगे। तो फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं, बिल्कुल ही सिंपल तरीका है, फॉर्म डिजाइन आपने पहले भी किया हुआ है। फॉर्म डिजाइन करते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर एक फॉर्म डिजाइन करता हूँ। आपको पता है फॉर्म डिजाइन करने के लिए हमें एक फॉर्म टैग ओपन करना होता है और फॉर्म टैग को क्लोज करना होता है। फॉर्म टैग को जब ओपन और क्लोज करेंगे तो इसके अंदर हम कंपोनेंट्स डिजाइन कर सकते हैं। कंपोनेंट्स कैसे डिजाइन करेंगे हम, यहाँ पर हमें लिखना होगा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, यानी कि मैं एक टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन कर रहा हूँ और उसका नेम मैं दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया यू नेम, यूजर नेम के लिए यू नेम दे दिया मैंने, तो मैंने एक यू नेम नाम से टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन कर दिया और यहाँ पर मैंने इनपुट को क्लोज कर दिया। और मैं एक बटन यहाँ पे बना देता हूँ, बटन बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा बटन टाइप। यहाँ पर आपको एक बार ध्यान देना है, सबमिट बटन बनाना पड़ेगा क्योंकि सबमिट ही जो है पोस्ट या गेट करता है, वो दो मेथड्स होते हैं। बटन टाइप इक्वल टू सबमिट और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रन। ये बटन्स जो बनाना है, इनपुट जो बनाना है, इसके बारे में हमने फॉर्म टैग के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है HTML में। अब अगर मैं सेव करूँ तो देखिए मेरा एक फॉर्म यहाँ पर तैयार हो गया है कि मैं यहाँ पर कुछ इनपुट दे सकता हूँ और रन पे क्लिक करूँगा। क्लियर है,
अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो फॉर्म है, ये इनविजिबल फॉर्म यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इनविजिबल फॉर्म जब मैं देखूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे जब मैं इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट करते समय यहाँ पर मुझे ये जो फॉर्म है ये सबमिट बटन पे क्लिक करते ही सर्वर के पास डेटा भेजेगा। मैं यहाँ पर जैसे मान लीजिए 55 लिखा, तो ये डेटा कहाँ जाएगा, सर्वर के पास जाएगा। सर्वर के पास जाने के बाद वहां पर फिर वो पीएचपी में के पास आएगा, क्लियर है। तो इसके लिए यहां से सर्वर पे भेजने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट, क्लियर है। तो उन मेथड्स में क्या अंतर है हम देखेंगे बाद में, गेट और पोस्ट में क्या अंतर होता है। फिलहाल पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि डेटा कैसे भेजा जाता है। दोनों थोड़ा लगभग काम सेम करते हैं, बट उनको जो सिक्योरिटी वाला जो फीचर है वो बस थोड़ा सा अलग होता है उसमें, गेट और पोस्ट में। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम कैसे इसको भेजेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म टैग जो है इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, फॉर्म टैग हमारा रेडी है। अभी मैं 55 लिख करके रन करूंगा तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ध्यान देंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है देखने वाली, वो है URL चेंज होता है। देखिए मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, यही जो इम्पोर्टेंट चीज है ये गेट और पोस्ट को समझाने में इनको मदद करेगी। मैंने यहाँ पर लिखा लोकल होस्ट sign.test2.php। इसके बाद जब मैं यहाँ पर कोई नंबर इनपुट कर रहा हूँ फॉर्म पर, याद रखना फॉर्म टैग का काम ही होता है डेटा को सेंड करना। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्म टैग बनाया है, तो बाई डिफॉल्ट इसमें जब मैं सबमिट बटन बनाता हूँ तो सबमिट बटन ऑटोमेटिक सर्वर के पास फॉर्म का डेटा सेंड करता है, इसीलिए उस बटन को सबमिट बोलते हैं। ये मैंने सबमिट बटन बनाया, यानी इस फॉर्म में जितना भी डेटा होगा वो सब का सारा है। यहाँ पर 100 टेक्स्ट बॉक्स हैं, तो 100 टेक्स्ट बॉक्स का डेटा वो सेंड करेगा थ्रू URL, यहाँ पर सेंड करता है। आपको दिखाई भी देगा ये सेंड होते हुए, जब मैं इसको क्लिक करूंगा ऐसा देखिए ये URL चेंज किया, उसने यहाँ पर रखा हुआ डेटा ऐसा सेंड किया है uname=88। यहाँ पर मैं दूसरा डेटा देता हूँ, देखिए तो वो इस तरीके से सबमिट करता है। और इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि जब हम गेट और पोस्ट मेथड पढ़ेंगे तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमारा टॉपिक गेट और पोस्ट मेथड नहीं बल्कि यूज फॉर्म से कैसे हम सर्वर पे डेटा कलेक्ट करेंगे वो देखते हैं। तो जब भी हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो उस फॉर्म में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सारा का सारा डेटा ऐसा जाता है। अगर मैं यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, तो आप जैसे फिलहाल मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया चलिए, और यहाँ पर दो टेक्स्ट बॉक्स बनाए मैंने, तो टेक्स्ट का नाम मुझे चेंज करना होगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं pname, ठीक है। मैंने यहाँ पर दो टेक्स्ट बनाया, एक का नाम लिखा uname, एक का नाम लिखा pname। मैं सबमिट किया और मैंने यहाँ पर दोबारा से test2.php को लोड किया है, तो देखिए दो टेक्स्ट बॉक्स बन गए हैं, आपको देखने के लिए मिल रहा होगा दो टेक्स्ट बॉक्स हैं। एक में मैंने लिखा 111 और एक में लिखा 222। ध्यान देंगे जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए दोनों का दोनों डेटा सेंड कर रहा है। यही जो काम है वो फॉर्म करता है। फॉर्म का काम ही होता है कि डेटा को इनपुट लेना और उसको सेंड करना सर्वर के पास, क्लियर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सर्वर के पास उसने डेटा कैसे सेंड किया है। तो फॉर्म का सारा डेटा सबमिट बटन जो है सर्वर को भेज देता है। अब पीएचपी इसी से डेटा निकालेगा, पीएचपी स्क्रिप्ट जो है यहाँ से डेटा निकालेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डेटा ये है, दो डेटा यहाँ पर मिल रहा है और प्लस उसके जो एट्रीब्यूट हैं वो uname और pname है। तो निश्चित सी बात है uname और pname का यूज करके ही पीएचपी जो डेटा है वो प्राप्त करेगा। तो आइए देखते हैं पीएचपी का कोड क्या होगा। पीएचपी के कोड को देखने के लिए यहाँ पर हम फॉर्म पर कुछ और चीजें देखेंगे, पहले एरर आने देते हैं फिर देखेंगे कि फॉर्म पर हम यहाँ पर क्या चीज ऐड करेंगे। इस चीज को आपको याद रखना है, आगे यहाँ पर कुछ कोड ऐड करना होगा हमको, ठीक है। तो सबसे पहले पीएचपी में मुझे डेटा प्राप्त करना है तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ये वेरिएबल मैंने बनाया है आई नाम से। आपको पता है कि पीएचपी टैग लगाया मैंने, पीएचपी टैग को क्लोज किया, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया है। और वेरिएबल में क्योंकि यहाँ से जो डेटा आएगा पीएचपी के किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर होना है, तो पीएचपी के किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर होने के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया। और चूंकि ये डेटा जो है किस मेथड से आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे फॉर्म के साथ मेथड बताना होगा।
कि किस मेथड से वो आएगा, तो मैं मेथड लिख देता हूं गेट। गेट मेथड से दो मेथड होते हैं भेजने के डेटा, गेट और पोस्ट। गेट मेथड से आएगा तो यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो डेटा है वो गेट से आ रहा है, क्लियर है। और गेट मेथड से मुझे किसका डेटा निकालना है, यू नेम। तो अब देखिए कि मैंने इस फॉर्म पर जो भी डेटा है सबमिट बटन पे क्लिक करते ही वो डेटा वो सेंड करेगा। सेंड करने के लिए वो गेट मेथड का यूज कर रहा है। अब पीएचपी स्क्रिप्ट जो है इस यूआरएल में भेजे गए डेटा को, यहां से भेजे गए डेटा को वो सबमिट यहाँ पर गेट कर लेगा। गेट करने का ये सिंटेक्स है, एक वेरिएबल बनाना होगा आपको, और ये गेट क्लिक करके आपको उसका नाम देना होता है सिंगल या डबल कोट में। याद रखना है गेट जो है वो कैपिटल लिखना होगा आपको, क्लियर है। ये उसका सिंटेक्स है, तो आपको बस यहाँ पर नाम चेंज करते जाना है। अब यहाँ पर जो डेटा मिला है मुझे, मैं उसको इको करा के देखता हूँ कि इको कराऊंगा, और इको कराने के बाद मेरा जो डेटा है वो आई में आ चुका है, तो मैं आई में देता हूँ प्लस टू कर देता हूँ। तो देखिए जो भी मेरा डेटा था, आप यहाँ पर यू नेम में जो डेटा है आप यहाँ पर 22 लिखेंगे तो 24 आउटपुट आएगा, क्योंकि प्लस टू कर दिया है वो, क्लियर। मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा इसको लोड कर देते हैं हम लोग। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 21, तो आउटपुट में क्या आएगा आपका 23। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5555, तो आउटपुट में क्या आएगा 5557, क्लियर। तो अब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करा सकते हो। कैसे ऐड कराना है, तो देखिए मैं यहाँ पर दो वेरिएबल ले लेता हूँ। मैंने दो वेरिएबल ले लिया आई और जे, यहाँ पर मैंने आई और जे वेरिएबल ले लिया है, और दूसरा जो डेटा है वो पी नेम से आ रहा है। ध्यान देना, एक डेटा आई में वैल्यू कहाँ से आएगा, यू नेम से, जे में डेटा कहाँ से आएगा, पी नेम से। अब आप यहाँ पर इको करा सकते हो इन दोनों को प्लस करके, तो आप जो भी डेटा यहाँ दोगे उनका सम यहाँ पर डिस्प्ले होगा, क्लियर है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर सेव किया, यहाँ पर मैंने डेटा दिया 4 और यहाँ पर डेटा दिया 5। जब हम रन कराएंगे तो आउटपुट में क्या आ गया, 9। तो जो भी डेटा आप यहाँ पर दोगे और रन करोगे, तो यहाँ पर मैंने दिया है 6, यहाँ पर मैंने दिया 8। जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो देखिए यहाँ पर 6 और 8 जो है वो सबमिट हुआ, और पीएचपी ने उसको लिया और सर्वर पर उसका कैलकुलेशन किया और आउटपुट यहाँ भेज दिया। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि पेज सोर्स देखेंगे तो आपको आउटपुट फॉर्म के अंदर, देखिए फॉर्म टैग के बाद केवल 14 दिख रहा है। ये 14 कैसे कैलकुलेट हुआ, उसका फॉर्मूला क्या लगा था, पीएचपी ने क्या कोड रन किया है, कुछ भी नहीं हो रहा है। केवल फॉर्म टैग ने डेटा को सेंड किया, डेटा सेंड होने के बाद यहाँ पर फॉर्म टैग खत्म हो रहा है और पीएचपी के पास चला गया, यानी कि डेटा जो है सर्वर के पास चला गया, और सर्वर ने वहां पे क्या किया क्या नहीं किया नहीं मालूम, और 14 आउटपुट भेज दिया। सर्वर ने वहां क्या काम किया हमको नहीं पता चल रहा है। तो प्रोसेस क्या हो रही है ये आपको समझना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। यहाँ पर हमारा HTML पेज है, HTML पेज में हमने फॉर्म बनाया। यहाँ पर फॉर्म की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ रही होगी कि फॉर्म की क्या इम्पोर्टेंस है। फॉर्म से हमने डेटा भेजा, और फॉर्म में आपको अब सबमिट बटन की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही होगी। ये जो आपका सबमिट बटन है इसका काम ही होता है, सबमिट बटन का काम ही होता है कि यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं फॉर्म के अंदर, जैसे टेक्स्ट हो गया, लेबल हो गया, ऑप्शन बटन हो गया, हमने कई सारे कंपोनेंट्स देखे थे। सबमिट करते ही ये जो फॉर्म का सारा डेटा है वो सर्वर के पास सेंड कर देता है। सर्वर कहाँ पर मिलेगा आपको, ये सर्वर होगा जहां से जो आपका लोकल होस्ट रन हो रहा है, या फिर जो भी सर्वर गूगल जहां से भी आपने इस पेज को लोड किया है वहां पर वो रिटर्न कर देता है। अब सर्वर के पास जाने के बाद यहाँ पर पीएचपी की स्क्रिप्ट रेडी है इसको लेने के लिए, तो पीएचपी की जो स्क्रिप्ट है सर्वर पर उसने लेने के लिए यहाँ पर भेजा जो था उसके लिए उसने गेट मेथड का यूज किया। ये दूसरा मेथड है पोस्ट, और दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो हम अगले टॉपिक अगली क्लास में देखेंगे कि गेट और पोस्ट में क्या अंतर होता है। मान लीजिए इसने फॉर्म का डेटा गेट मेथड से भेजा, तो यहाँ पर पीएचपी की जो स्क्रिप्ट है वो है किसी वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए उसने डॉलर और गेट इस
एरे इंडेक्स का यूज किया और मैंने उस वेरिएबल के या उस कंपोनेंट का नाम लिया जैसे यू नेम, और मैंने उसकी वैल्यू को यहाँ पर गेट कर लिया, और गेट करने के बाद मैंने आई पर दे दिया। वैसे ही मैंने जे पर भी ले लिया, और जे पर लेने के बाद हम उस पे अब पीएचपी के सारे प्रोसेसिंग कर सकते हैं। बोलने का मतलब है कि डेटा फॉर्म से पीएचपी के पास आ चुका है। अब पीएचपी का कंपाइलर या पीएचपी का जो प्रोसेसर है वो इन डेटा के साथ जो यू नेम में जो डेटा था, जो पी नेम में डेटा था, वो गेट मेथड के थ्रू आई और जे में आ चुका है। अब हम उसको कुछ भी कर सकते हैं, उसमें प्लस टू करें, समथिंग समथिंग कुछ प्रोसेस कर दिए, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट को सेंड कर दिए। आउटपुट सेंड करने के लिए हमने इको या प्रॉम्प्ट या दूसरे मेथड्स का भी, कई मेथड्स हैं जो हम अभी इको मेथड जो है वो पढ़ रहे हैं, या प्रिंट मेथड है, कई सारे मेथड्स हैं। हमने इको मेथड से उस आउटपुट को रिटर्न कर दिया, और ये जो आउटपुट है हमारा रिटर्न होने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ गया। तो आउटपुट केवल यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, न कि इसकी जो प्रोसेसिंग है, इसने क्या प्रोसेस किया, यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया, वो हिडन है। इस यूजर से, ये वाला जो पर्टिकुलर यूजर है, इसके लिए ये हिडन है कि पीएचपी ने यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया है। ये वाला एरिया जो है वो हाइड हो गया है, केवल आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर? अब आप यहाँ पर वो स्विच केस और वो सारे कोड को यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसा आपने लास्ट क्लास में देख रखा है। तो हम यहाँ पर स्विच केस का कोड लगाते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा है, संडे वनडे वाला जो कोड था हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव कर दिया, और यहाँ से इसको भी रिमूव कर दिया, और हम यहाँ पे स्विच लगा देते हैं। चलिए स्विच मैंने लगाया और डॉलर आई लगा दिया, यानी आई में जो भी वैल्यू आप देंगे वो उसके हिसाब से संडे मंडे प्रिंट करेगा। और ये कोड आपको बहुत सिंपल है, तो मैं फिलहाल अभी पूरा कोड नहीं लिखता हूँ, ये चलो कॉपी पेस्ट कर ही लेते हैं। यहाँ पर मैंने अभी बनाया केस वन, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा इको संडे, ठीक है, ब्रेक, केस वन बना। मैं इसी तरीके से दो तीन केस बना करके आपको दिखा देता हूँ, केस टू, केस थ्री, केस फोर। बाकी तो कोड आपने पहले पूरा कर रखा है, तो मैं यहाँ पर टू थ्री करता हूँ या फोर कर लेते हैं, पूरा ही बना लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पर फाइव केस बनाए, सिक्स बनाए, सेवन बनाए, और एक डिफॉल्ट केस बनाए। तो ये फोर के बाद आया फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन, और डिफॉल्ट, ठीक है। तो डिफॉल्ट में आया इनवैलिड, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि आपको ये सारे कोड जो है पहले से कर रखा है आपने। मंडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। मैंने ये कोड किया पीएचपी का। देखिए ये स्विच है, यहाँ पर जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू जो है वो कहाँ से आ रही है, गेट मेथड से आ रही है, और फॉर्म पर कोई यू नेम नाम का जो कोई कंपोनेंट है फॉर्म पर, वो गेट मेथड से भेज रहा है। तो आई की वैल्यू जो है वो यहाँ से आएगी। क्लियर है? मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर लोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर और कुछ गड़बड़ क्या, यहाँ पर सारे सेमी कोलन्स जो है छूट गए थे, तो सेमी कोलन्स फटाफट ऐड कर देते हैं। सेमी कोलन्स ऐड करने के बाद हम यहाँ पर फिर से लोड करेंगे। अब कहीं और छूटा है सेमी कोलन, यस, यहाँ पर हमने सेमी कोलन ऐड किया, और हमारा फॉर्म जो है अभी रेडी है। लास्ट वाला जो इनपुट था उसको कंपाइल कर लिया है उसने। तो देखिए हमने यहाँ पर फॉर्म टैग बनाया है, फॉर्म टैग में मेथड गेट का यूज करके सेंड किया है, और याद रखिए आपको सबमिट बटन बनाना है, सबमिट बटन ही सेंड करता है टेक्स्ट मेथड। यहाँ पर लिया, यहाँ पर आई पे वैल्यू रिसीव की है, और आई को इंडेक्स के रूप में पास करके यहाँ पर वैल्यू हमने दे दी है। जब मैं इसको रन कराऊंगा तो फ्राइडे की स्पेलिंग भी यहाँ पर ठीक।
चलिए अब मैं यहाँ पर इनपुट देता हूँ वन, तो जब रन कराऊंगा तो आया संडे। टू देने पर क्या आ रहा है देखिए, मंडे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये चेंज हो रहा है, डेटा जो है यहाँ पर टू आ गया है, क्लियर है। फोर देने पर आपका आ रहा है वेडनेसडे, ऐसे ही सेवन देने पर आपका आ रहा है सैटरडे, और आपका मान लीजिए 22 दे देते हैं तो इनवैलिड। तो आपने अभी जो यूज़र से इनपुट लेना देखा, उसमें से यूज़र से इनपुट लेने के कई सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें आपने अभी देखा कि फॉर्म से हम कैसे मेथड इनपुट लेते हैं। फॉर्म से इनपुट लेने का दो तरीका होता है, गेट और पोस्ट। तो गेट और पोस्ट में हमको सबमिट बटन जो है वो ट्रांसफर करता है पूरे डेटा को सर्वर पर, और जब हमारा ये आउटपुट आता है और इसका हम सोर्स देखेंगे तो फिर से देखिए आप, यहाँ पर फॉर्म ने डेटा तो सेंड किया लेकिन यहाँ पर सिर्फ आउटपुट दिख रहा है। स्विच कैसे उसने कैलकुलेट किया कि वेडनेसडे होगा, वो यहाँ पर पूरी तरीके से हाइड हो जाता है। ये डेटा पूरी तरीके से हाइड है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो वो डेटा पूरी तरीके से आपका हाइड हो गया है। और ये था आपका फॉर्म, वर्किंग विथ फॉर्म्स। फॉर्म के साथ तो हमने पूरे कंपोनेंट का पहले ही HTML में वर्क कर लिया, तो ये जो आपका हिस्सा है फॉर्म, ये HTML का पार्ट है और ये PHP का पार्ट है। दोनों ही अलग अलग एरिया है, अलग अलग सिंटेक्स फॉलो करते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट सेक्टर से हैं, बट दोनों एक साथ एक ही पेज पर रन हो रहे हैं और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए गेट और पोस्ट मेथड का बात की का यूज कर रहे हैं। गेट और पोस्ट मेथड से डेटा यहाँ पर सेंड हो रहा है, गेट से यहाँ पर सेंड होता है और इको से यहाँ पर सेंड हो जाता है, क्लियर है। तो ये था हमारा वर्किंग विथ फॉर्म्स। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।